डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग वीडियो को देख लो पहले, फिर डाउनलोड करना, ठीक है। यहाँ पे अभी देखिएगा इस करना है कि आपको जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, फिर जो आप सभी को अपने यहाँ पे मॉडल को ऐड कर लेना है। एंड यहाँ पे जैसे आप मॉडल को ऐड करोगे तो उसके बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस मॉडल को जो आपको जूम करके रखना है। एंड जो पीछे जो आपको दो हॉरर जो मतलब कि हॉरर होस्ट खड़े हैं गाइस, उनके बीच में आपको रखना है अपने मॉडल को थोड़ा ऊपर की साइड में रख के, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि मैं दिखा देता हूँ आप सभी को एकदम परफेक्ट करके, तो आपको थोड़ा ऊपर की साइड में इस तरीके से आपके दोनों शोल्डर जो हल्के हल्के शो होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा नहीं शो होने चाहिए, या फिर नहीं भी होंगे तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे बाकी उसके बाद इरेज़र टूल में जाना है आप सभी को। इरेज़र टूल में जाने के बाद इन्वर्ट कर देना ब्रश का जो हार्डनेस फुल करके एंड साइज को छोटा करके अपने हिसाब से। एंड यहाँ पे ब्रश लेके फोटो को जूम करके जो है जहाँ जहाँ पे ये बीच में जो पेंट करना है इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे इस तरीके से आप सभी को पेंट कर देना है हल्का हल्का और आराम से करना है ये चीज़ें गाइस, बिल्कुल टाइम देके। यहाँ पे आप लोग जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे गाइस उतनी अच्छी फोटो एडिट होगी आप सभी की, तो टाइम देने को बिल्कुल भी घबराना मत कि ज़्यादा टाइम लग रहा है। बाकी एडिटिंग बिल्कुल ईजी है गाइस, ठीक है, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। सारा जो है PNG वगैरह मैंने सब कुछ बना के दे रखा आप सभी को, तो यहाँ पर मैं इसको फटाफट करता हूँ, देन बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। ओके गाइस, तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब गाइस देखिए इसके बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे जब गाइस आप इतना कर लोगे तो आपको दोबारा ऐड फोटो में जाना है। एंड यहाँ से ऐड फोटो में जाने के बाद आपको ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड ऐड करना है। एंड इसको ऐड कर लेने के बाद आपको उसको जूम करके कुछ इस टाइप से रख देना है। एंड इरेज़र टूल में जाके इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है, ब्रश को लेने के बाद जो है आप सबको साइड साइड में जो है इस तरीके से पेंट करना है, यानी कि शेडो क्रिएट्स करनी है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर फटाफट करता हूँ, बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। इतना हो जाने के बाद गाइस आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे आपके अपने मॉडल का जो एक डुप्लीकेट बनाना है एंड उसको वैसे ही सेम साइज़ में रख देना है जैसा है। एंड इतना हो जाने के बाद आप लोगों को सिंपली करना है कि आपको चले जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में। इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे फिर कलर्स में चले जाना है। कलर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट करना है, इसके ऊपर एक बार टैप करना है एंड इसको इसका अमाउंट जीरो करके आपको डन कर देना है। इरेजर टूल में जाना है, फिर इसको यहाँ पे गाइस इरेज कर देना है सारा जितना भी था, इन्वर्ट मत करना नहीं तो नीचे का जितना पार्ट था वो वापस आ जाएगा और बाकी का जो था वो इरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे इरेज करना है आपको। एंड आपको ब्रश लेने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे जो है साइड साइड में इस तरीके से पेंट करना है। ओपेसिटी हार्डनेस कम रखनी है गाइस, ठीक है। अगर नहीं भी रखते हो तो बाद में उसकी ओपेसिटी आप कम कर सकते हो। बाकी ओपेसिटी हार्डनेस कम रखने से ये रहता है कि मतलब कि हमें पता चल जाता है कि हमें कितना यहाँ पे रिमूव करना है, ठीक है। अब इतना हो चुका है हमारा यहाँ पे। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे जब आप अपनी फोटो को सक्सेसफुली डन कर सकते हो, बट अभी हमारे अभी PNGs लगाने हैं, तो उसके बाद आपको करना है कि आपको जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप लोगों को ये वाला हैंडल लेना है, ठीक है, ये वाला जो कि हमारा मेन है इसमें। अब इसको लेने के बाद आप लोगों को सिंपली करना क्या है गाइस, आपको अपनी फोटो को जो यहाँ पे जूम कर लेना है। यहाँ पे गाइस आप सभी को जो है हैंड को जो है मतलब अच्छे से आपको फेस की तरफ इस तरीके से रख देना है। एंड यहाँ पे जो है मतलब कि जो इस तरीके से रख देना है। एंड यहाँ पे कोशिश करना है कि आप जो आई वगैरह वो ढके ना, क्योंकि गाइस वहाँ पे थंब जो दिख रहा है उससे थोड़ा सा मतलब जो मतलब आँखें हैं जो मतलब कि ढक रही थी, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा रोटेट करके इनको लगाया है। तो आप लोग भी इस तरीके से करना रोटेट करके थोड़ा, और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट वगैरह आ रहे होंगे तो बीच बीच में उन सबको रिमूव कर देना है, ठीक है, रिजल्ट रूम में जाके। और फिर यहाँ पे इसको अभी हम डन करते हैं फिलहाल के लिए। बट अभी क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा एक शेडो बनाएंगे, तो ऐड फोटो में जाके ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ले लेंगे यहाँ से, और इसको यहाँ पे हमें इस तरीके से साइज़ बड़ा करके इरेज़र टूल में जाएंगे, इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश लेंगे, ब्रश का साइज़ अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे यहाँ पे हम, और फिर इस तरीके से पेंट करेंगे। परफेक्ट है।
और यहाँ पे डन करेंगे, फिर इसको जो है ये मूव डाउन कर देंगे एंड यहाँ पे जो है इसका ओपेसिटी कम रख लेंगे। काफ़ी अच्छी फोटो लग रही है अभी हमारी यहाँ पे, तो अभी हम क्या करेंगे इसको डन कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे परफेक्टली डन हो गई हमारी फोटो। आप क्या करेंगे इसको जो हम सेव कर लेंगे, क्योंकि इसमें लाइट रूम में रिटच करेंगे ना इसको तो और भी रियलिस्टिक बनाएंगे अभी। तो उसको मैंने सेव कर लिया, अभी लाइट रूम अपन लेके चलते हैं डायरेक्ट इसको। तो सबसे पहले करना है कि आपको लाइट में जाकर पहले इसकी लाइट करेक्ट करनी है। तो पहले क्या करेंगे इसको कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे, हाईलाइट्स को जो है यहाँ पे हम मतलब कि कम ही रखेंगे थोड़ा सा, मतलब हल्का सा बढ़ा के, एंड शैडो बढ़ा लेंगे थोड़ा सा और ब्लैक को कम, वाइट को थोड़ा इंक्रीज, कलर्स में जाएंगे वाइब्रेशन बढ़ा देंगे यहाँ पे, और मिक्स में जाएंगे ऑरेंज कलर लेंगे इसका ल्यूमिनस बढ़ा देंगे यहाँ पे, सैचुरेशन थोड़ा कम, येलो कलर लेंगे इसका ह्यू माइनस, एंड ब्लू कलर लेके इसका जो है सैचुरेशन माइनस, ल्यूमिनस को भी माइनस, फिर डन कर देंगे यहाँ से। एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ से नीचे रेडूल में फोटो के, यहाँ पे पहले क्लियरिटी को बढ़ाएंगे ताकि फोटो एकदम एच डी क्वालिटी में हो, एंड विगनर डाल देंगे हल्का सा, एंड मिड टोन को पूरा फुल कर देंगे। नीचे रेडूल में जाएंगे फोटो की शार्पनेस बढ़ा देंगे, एंड फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फोटो जो है कम्प्लीट एडिट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ आप सभी को। तो यहाँ पे है ये हमारा बिफोर एंड ये आफ्टर। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।